22 तारीख को मटन चिकन मछली शराब की बिक्री बंद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर शिंदे गुट की मांग। राममय हुआ शिवाजी पार्क, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सजी मुंबई नगरी। धनुष बाण के बाद उद्धव ठाकरे से छिन सकता है मशाल सिंबल, समता पार्टी ने चुनाव आयोग में ठोका दावा। 22 जनवरी को पूरे देश में मोदी सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी। नई मुंबई में लोकल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाला निकला हत्यारा। प्रेमिका ने ब्रेकअप करने के लिए कहा था तो कर दी थी अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या। पुलिस ने 19 साल की प्रेमिका का लाश मिलने के बाद किया खुलासा। डिंडोशी में 19 वर्षीय छात्रा का गला काटा, सनकी आशिक गिरफ्तार। पीएम मोदी का सोलापुर दौरा, महाराष्ट्र की झोली में डालेंगे 2000 करोड़ की 8 अमृत परियोजनाएं। महाराष्ट्र की बल्ले बल्ले, दावोस में मिला 3.53 लाख करोड़ का निवेश, लाखों युवाओं की नौकरी पक्की। शिवसेना को बेच देते उद्धव ठाकरे, शिंदे गुट के विधायक किरण पावस्कर का आरोप, कई वीडियोस होने का किया दावा। संजय राउत की बेटी के खाते में भेजे कोविड खिचड़ी घोटाले के पैसे, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने फिर लगाया गंभीर आरोप। मोदी के सामने नहीं फैलाएंगे हाथ, लड़कर लेंगे मराठा आरक्षण, जोरांगे पाटिल का ऐलान। मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एसीबी की कार्रवाई के बाद ठाकरे के विधायक राजन सालवी भड़के। बड़ी खबर, कथित खिचड़ी घोटाले मामले में सूरज चौहान के खिलाफ गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई, 22 जनवरी तक ईडी की हिरासत में। गर्भगृह के आसन पर स्थापित हुए रामलला, 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। राष्ट्र हित के लिए ये बेहद खतरनाक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनधिकृत पैन कार्ड सेवाओं के संचालन पर लगाई अंतरिम रोक। बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में युवक की सुसाइड से हड़कंप, ट्रेन के बाथरूम में कांच से गला काटकर की आत्महत्या। मुंबई से देहरादून जाने वाली ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया। 21 जनवरी को 2 साल के लिए बंद रहेगा मुंबई का सायन ब्रिज, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। रामलला के दर्शन के लिए 30 जनवरी से पुणे से अयोध्या के लिए 15 स्पेशल ट्रेनें रवाना की जाएंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से राणा दंपत्ति को बड़ी राहत, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा मामले की कार्रवाई स्थगित। सचिन तेंदुलकर ने अपनी डीप फेक वीडियो पर जताई चिंता, पुलिस ने गेमिंग साइट और एफपी पेज के खिलाफ दर्ज की एफआईआर।